हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 19 इंच का जो एलसीडी एलईडी होता है दोस्तों, तो उसमें आने वाले एक फॉल्ट का सलूशन बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह मेरे पास एक 19 इंच का दोस्तों एलसीडी मॉनिटर वाला टीवी है, और इसमें एक दोस्तों फॉल्ट है कि जब हम इसे चालू करते हैं तो स्क्रीन दोस्तों वाइट आता है। तो दोस्तों उसी का आज मैं आपको सलूशन बताने वाला हूं कि यदि आपके पास भी कभी भी इस प्रकार का फॉल्ट आता है तो दोस्तों आप ये फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हमें क्लियर कर लेना है कि फॉल्ट हमारे पैनल का है कि मदरबोर्ड का है। तो दोस्तों मेरे पास एक न्यू मदरबोर्ड था और मैंने इसे भी लगा कर चेक कर लिया था, फिर भी सेम फॉल्ट था, मतलब कि प्रॉब्लम जो है तो हमारे पैनल पर था। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका दिखा देता हूं कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसे चालू कर लेता हूं। तो दोस्तों मैं इसे पावर देता हूं, और दोस्तों देखिएगा मैं इसे पावर दे चुका हूं, और अभी जो है तो एलईडी दोस्तों जल रही है और दोस्तों यह ऑन हो चुका है। देखिएगा बैकलाइट जो है चालू हो चुका है। और इसका फॉल्ट क्या है दोस्तों, तो मैं इसका आपको फॉल्ट भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसका फॉल्ट देख सकते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। दोस्तों इसका स्क्रीन जो है वाइट है और उसमें किसी प्रकार का ग्राफिक्स दोस्तों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं केवल बैक लाइट ऑन है और किसी प्रकार का दोस्तों ग्राफिक्स हमें इसमें नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इसी का सलूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसका जो वोल्टेज है, तो दोस्तों जो वोल्टेज हमें इसका मिलना चाहिए, दोस्तों इसका जो प्रॉपर वोल्टेज मिलना चाहिए VGH VGL, तो दोस्तों हमें प्रॉपर मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट पूरा देखिएगा तभी आपको भी समझ में आएगा कि दोस्तों आप इसे कैसे ठीक कर पाएंगे इस फॉल्ट को। दोस्तों इसका जो वोल्टेज है, तो मैं आपको वोल्टेज चेक करके बता देता हूं। तो दोस्तों यह पैनल के लिए जो 5 वोल्ट जाता है, तो आप देखिएगा दोस्तों हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। और दोस्तों यह एक रेगुलेटर है, और रेगुलेटर में दोस्तों देखिएगा ये 5 वोल्ट इन हो रहा है और यह 3.2 वोल्ट दोस्तों आउट कर रहा है। और इसका दोस्तों जो VGH VGL वोल्टेज होता है, तो दोस्तों उसको भी हम चेक कर लेते हैं। और दोस्तों हमें इसका जो VGH वोल्टेज है, तो वह भी प्रॉपर जो है तो इसमें हमें मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं VGH हमें इसमें मिल रहा है, और जो दोस्तों VGL वोल्टेज है वो भी दोस्तों हमें इसमें प्रॉपर मिल रहा है। अब इसका सलूशन दोस्तों मैं आपको करके बताने वाला हूं कि मैं इसे दोस्तों कैसे ठीक करने वाला हूं। तो दोस्तों ये जो रेगुलेटर IC आपको दिख रहा है, ये दोस्तों जो 3.3 वोल्ट आउट कर रहा है, ये देखिएगा 3.2 वोल्ट आउट कर रहा है। तो दोस्तों देखिएगा मैं इसमें एक जम्पर करूँगा, और ये जो हमारा दोस्तों आपको IC दिख रहा होगा, ये हमें पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, तो हमें इस पॉइंट पर सप्लाई मिलना चाहिए। तो दोस्तों सप्लाई हमें इसमें नहीं मिल रहा है, और इसी का फॉल्ट दोस्तों है कि जो ग्राफिक्स वगैरह नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, ये जो 3 वोल्ट के लगभग ये रेगुलेटर IC से आउट हो रहा है, इसे दोस्तों हम एक जम्पर करेंगे यहाँ से, और यहाँ पास दोस्तों हम जम्पर करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं इसमें जम्पर एक कर लेता हूँ, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा फॉल्ट दूर होता है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक वायर ले लिया है, और सबसे पहले मैं इस वायर को इधर सोल्ड करूँगा। दोस्तों पावर कट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक वायर मैंने जो ये रेगुलेटर IC है, और 5 वोल्ट इन होकर और 3.2 वोल्ट दोस्तों आउट करता है ये। अब इसे हम दोस्तों डायरेक्ट जो है, तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर मैं सोल्ड करूंगा। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे सोल्ड कर दिया है, और अब हम देखेंगे कि हमारा फॉल्ट ठीक हुआ कि नहीं। दोस्तों अब मैं इसे पावर देता हूँ, और पावर देने के बाद हम देखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसे चालू कर दिया है, और हमारा दोस्तों
यह जो एलसीडी टीवी है तो ऑन हो चुका है और स्टैंड बाय से रिलीज भी हो चुका है। और दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारा फॉल्ट ठीक हुआ कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो एलसीडी टेलीविजन है 19 इंच का, ये दोस्तों प्रॉपर ठीक हो चुका है। दोस्तों इसी प्रकार से आप भी जो है कभी भी आपको इस प्रकार का फॉल्ट मिलता है तो दोस्तों इस प्रकार से आप एलसीडी टीवी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नमस्कार।